अब आप बताइए जो 7,000 पा रहा, जो 9,000 पा रहा, उसको हर हफ्ता में लखनऊ से लेकर न जाने कहां कहां यात्रा करना पड़ता। लेकिन इस सरकार से, अरे हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीब है, उत्तर प्रदेश सरकार भिखारी है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास अनुदेशों को देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ट्रांसफर में कौन पैसा लग रहा। यदि उस महिला की शादी यदि लखनऊ होती है, यदि आप उसका ट्रांसफर वहां कर दोगे, उसमें कौन पैसा खर्च हो रहा। लेकिन आप, आपकी तो नीति बन चुकी, आपका तो डीएनए ही खराब है, आपके तो डीएनए में अनुदेशों को परेशान करना लिखा है। और यदि परेशान करना ना लिखा होता तो आप ट्रांसफर की व्यवस्था करते। अभी देख रहा हूँ, अभी परसों मीटिंग हुई है कि शिक्षकों की किस प्रकार से ट्रांसफर किया जाए। अरे उसी मीटिंग में आप अनुदेशकों की भी चर्चा किए होते कि अनुदेशकों की किस प्रकार से मीटिंग होती है, लेकिन आप इसकी चर्चा नहीं करोगे, क्योंकि आपका तो सिद्धांत है, आपने तो नियम बना लिया है कि अनुदेशकों को परेशान करना है। अनुदेशकों के खून में ना जाने कौन सी ऐसी मिठास है जिसका खून आपको चूसने में बहुत मीठा लगता है और बातें लंबी चौड़ी करते हो। अरे 100 बच्चों की वैधता आप क्यों लागू करते हो? क्या एक विद्यालय में यदि 10 से 15 अध्यापक है तो क्या एक अनुदेशक जिम्मेदार है उस विद्यालय में 100 की संख्या पूरी करने का, और बाकी लोग क्या कुर्सी तोड़ेंगे, बाकी लोग क्या कचहरी लगाने का कार्य करेंगे? एक भी अध्यापक गांव में जाकर संपर्क नहीं करता, क्यों जाएगा? क्योंकि उसको अनुदेशक को नौकरी से बाहर करना है। अनुदेशक को जाएगा क्योंकि उसको अपनी नौकरी बचानी है, चाहे चिलचिलाती धूप हो। अभिभावकों के घर जाकर वो संपर्क करेगा क्योंकि 100 बच्चे नहीं होंगे। 1 अप्रैल को 8 क्लास के बच्चे निकल गए, अब हमको 30 तारीख तक अपने विद्यालय में 100 से ज्यादा बच्चे करने हैं। यदि 100 से ज्यादा बच्चे नहीं करेंगे हमारी नौकरी चली जाएगी। आप बताइए, 10 वर्षों से हम सेवा दे रहे, फिर भी आप प्रधानाध्यापक के द्वारा हमारी आख्या लेते हो। एक ही विद्यालय में शिक्षा मित्रों के लिए कोई नवीनीकरण की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण नहीं होता, लेकिन उसी विद्यालय में उसी छत के नीचे अनुदेशकों का नवीनीकरण होता। एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे 1,000 प्रकार के नियम बनाते हो, बेसिक शिक्षा को प्रयोगशाला बना दिए हो, रोज 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 नहीं नहीं प्रयोग बेसिक शिक्षा में करते हो। अरे करना है तो अनुदेशकों को भी सुविधा दो, अनुदेशकों की भी ट्रांसफर करो, अनुदेशकों का भी 100 बच्चों की मान्यता हटाओ। और जब नई शिक्षा नीति में अनुदेशकों को नियमितीकरण की करने की बात है तो अनुदेशकों को नियमितीकरण क्यों नहीं करते? यदि अनुदेशकों को आप नियमितकरण कर दोगे तो अनुदेशकों की सारी बीमारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन आपको तो किसी को अच्छा, कोई अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा पहने, ये आपको पसंद नहीं है। आपको तो आपकी तो नियत हो चुकी है सबको परेशान करने की, सबको परेशान करेंगे तो आपको मजा आएगा। अरे किस राम राज की बात करते हो? एक राम राज में एक अनुदेशक परेशान है, 9,000 में वो किस प्रकार से अपने बच्चों का पढ़ाई करा पाएगा, किस प्रकार से अपने बच्चों का दवा दारू करा पाएगा? लेकिन इस सरकार को कोई चिंता नहीं है, केवल नारा देना है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। सिर्फ नारे पे ये देश नहीं चलता, ये देश चलता है उसको क्रियान्वित करो। नारे तो बहुत 75 सालों से इस देश में नारे दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या देश का भला हुआ? तो क्रियान्वित करो, उस नारे को लाओ। यदि सबका साथ सबका विकास करते हो तो क्या अनुदेशकों का विकास नहीं होना चाहिए? अनुदेशक इस देश के नागरिक नहीं, अनुदेशक इस प्रदेश के निवासी नहीं। क्या अनुदेशक बांग्लादेश से आए हैं? क्या अनुदेशक पाकिस्तान से आए हैं? क्या अनुदेशक चाइना से आए हैं कि आप उनको परेशान करना चाहते हो? आप इसको विदेशी मानते हो और विदेशी मान के इसको इसका शोषण करते हो, क्योंकि अनुदेशकों का खून पीने में आपको मजा आता है। अनुदेशकों का खून इतना मीठा है कि आपको मजा आता है, और इसीलिए आप अनुदेशकों को खून को चूसने का कार्य करते हो। सरकार भी चूसती है, विद्यालय में प्रधानाध्यापक भी चूसता है, उसके अध्यापक भी चूसते हैं, और सब तो सब सिर्फ और सिर्फ अनुदेशक किस प्रकार से परेशान हो, अनुदेशक को कितना चिंता रहती है।